होंगे, मैं उन्हें बाद में बुलाती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए दवा लेके आती हूँ। बहुत खून बह रहे हैं। अम्मी मैं ना रेहान से मिलकर आता हूँ, वो प्रेस रिलीज के बारे में बात करने हैं। एक्सक्यूज मी, या एक मिनट में आती हूँ, आप यही आइएगा। सनम कहां चली गई? आपने कहीं सनम को देखा है? ये गूंगी क्या बड़बड़ा रही है ना जाने। आ, आ? आके फोड़ देगी। सनम सनम वाय उधर, सनम उधर। ठीक है? ये आपका ये गिर गया, आप पहन लीजिए। कौन है आपके साथ? आप रो क्यों रही हैं? देखिए आप प्लीज रोइए मत, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ
देखिए आप घबराइए मत। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ वेटर प्लीज आइए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। लगता है इनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मैं ही पिला देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। मैं आपको पानी पिला दूँ? आहिल से बात करने के लिए यही मौका ठीक रहेगा। हया? सनम तुम कहाँ थी? मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुझे सब बताती हूँ। अच्छा सुन, वो वहाँ पे एक मोहतरमा बैठी है व्हील चेयर पे, प्लीज उन्हें ये दे आओ। प्लीज उनके खून बह रहे हैं। मैं तुमसे मिलती हूँ, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। तुम जाओ। मैं किसी को बुला के लाती हूँ, घबराइए मत आप। ये नीचे नीचे कर दूँ ना? जी तुम तो अभी वहां गई थी ना, फिर यहाँ कैसे, और वो भी दोबारा कपड़े बदल के? आप इनके साथ हैं? तो इनको ऐसे अकेला छोड़ के क्यों चली गई आप? ऐसे भरी पार्टी में इतने लोगों के बीच में, आपको पता है नीचे गिरी हुई थी और रो रही हैं ये। इनका ख्याल रखिए, जाइए। ये सनम को हो क्या गया है? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अब मैं हया को कैसे बताऊं कि ये सनम नहीं है, सहर है। आज मेरी तीनों बच्चियां मेरी आंखों के सामने हैं और मैं लाचार उन्हें उठकर सीने से लगाना तो दूर, उनका नाम तक लेकर बुला नहीं सकती। या अल्लाह, मुझे कम से कम इतनी ताकत तो दे कि मैं किसी तरह सनम को आगाह कर पाऊं। आइए आप लोग आइए। कुछ फोटोज खिंचवाने थे। बेगम साहिबा के होते हुए मेरा आहिल तक पहुंचना मुश्किल है। मुझे किसी तरह उन तक मैसेज पहुंचाना है, वो भी किसी ऐसे शख्स के हाथों जिस पर बेगम साहिबा या खाला खालू को शक ना हो। पर ऐसा शख्स होगा कौन? Dinner will be served in 10 minutes. आप प्लीज खाना खा के जाइएगा। अगर सनम ने मुझे यहाँ देख लिया तो हजारों सवाल पूछेगी। मैं यहाँ से क्यों गया, मैंने एक फोन तक क्यों नहीं किया, और मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं सनम के सामने ही ना आऊं।
पापा मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे रेहान यहीं था? सुनहरी तू भी ना इधर उधर की बातों में ध्यान मत रख, काम पे फोकस कर। अल्लाह का शुक्र है हया तुम आ गई। अब सुनो, तुम्हारी तुम्हारी मदद की जरूरत है। सनम, तुम्हें हुआ क्या है? और ये कपड़े? रानी मेरी बात सुनो, अभी कुछ भी समझने और समझाने का वक्त नहीं है। देखो मुझे आहिल से अकेले में बहुत बहुत जरूरी एक बात करनी है। तुम किसी तरह उसे कॉरिडोर में ले आओ, ठीक है? और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? इतनी सी मदद कर दो प्लीज, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाती हूँ। प्लीज आया मैं वेट कर रही हूँ। हाँ अब ये सब कुछ मेरा होगा दिलशाद। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस काम को करने में तुम्हारी दोनों पोतियां मेरी मदद करेंगी। किस्मत आज इन दोनों सगी बहनों को एक जगह लेकर आई भी है तो अजनबी बनाकर, बस कोई अनहोनी होने से पहले मेरी बच्ची आपस में मिल जाए। अल्लाह अल्लाह कितनी शानदार पार्टी है। पता है मुझे यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं वो कामचोर बुढ़िया कहाँ गायब हो गई। उसके हिस्से का सारा काम मुझे इस अपनी नाजुक कलाइयों से करना पड़ा। वैसे खालू खाला कहाँ है? अरे वो रसोई में इंतजाम देख रही है। अच्छा इंतजाम कर रही है या सारा खाना चैट कर रही है? खालू आपने कहीं सनम को देखा? यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? आहिर बाबा आप परेशान ना होइए, पहले ये तो बताइए आपको मेरी चुतिया कैसी लगी? लती अरे अरे बेटा वो छोड़ो, ये कबाब खाओ। हाँ आहिर बाबा आप ना मेरे हाथों से कबाब खाइए। आप लोग पागल हो गए हो? मैं पूछ रहा हूँ सनम का, आप कह रहे हो कि What's wrong with you guys? खाइए ना। खालू ये क्या कबाब कबाब खाने का लगा कुछ सोचता है? Stop it। बेटा एक बार थोड़ा 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 ये रुको रुको लाइए थोड़ा खालू। Unbelievable। या अल्लाह इससे पहले कि बेगम साहिबा हमसे दस्तखत करवाएं, हया आहिल को लेके यहाँ आ जाए। तुम यही सोच रही हो ना कि एक ही रात में हमारे पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का आ गया जो हमने सारा खेल ही पलट दिया, और ये दावा भी कर रहे हैं कि तुम हमारी सारी बातें मानोगे। मुझे नहीं पता कि बेगम साहिबा के पास कौन सा तुरुप का इक्का है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर उनके चाल चलने से पहले मैं आहिल को सच बता दूँ तो
इंशाल्लाह अब भी बेगम साहिबा को आहिल की जिंदगी बर्बाद करने से रोक सकती हूँ। अल्लाह, भिखारियों वाली हरकत। अरे ये आहिल बेटा गया कहाँ? बेगम साहब आप मार डालेंगे। भाईजान आप हया से निकाह कर लीजिए। अगर आप हया से निकाह करके उसे तलाक दे देंगे तो मैं उसे दोबारा निकाह कर पाऊंगा। क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? क्या तुम मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने भाई के लिए इतना खुद गर्ज हो गया हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। या अल्लाह, ये तूने किस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। मैं न सिर्फ हया को बल्कि उससे जुड़े सब लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाऊंगा। यह है कि दिखाई नहीं दे रही है। अब तक तो उसने सरम को सब कुछ बता दिया होगा। आपने सरम को भी देखा? नहीं देखा। वैसे आप मुझे बताएंगे कि मेरी ये छुट्टियां कैसी लग रही है? राहत। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तुम सनम को ढूंढ रहे हो? जी, वो हया कुछ सनम से बात करने गई थी। अब इतनी देर हो गई कि ना हया कहीं दिखाई दे रही ना सनम, और ना ही कहीं आयल भाई नजर आ रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछ लेता। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, किसी को भेजकर उन तीनों को बुलवा लेते हैं। जी शुक्रिया। हमने कहा था ना सनम कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लेना, पर तुम भी ना असद अहमद खान की बेटी हो। अब तुम अकेले तो पैदा नहीं हुई, असद अहमद खान की जिद साथ लेकर पैदा हुई हो। लेकिन तुम हमें नहीं जानते। ये बिसात हमने इतने बरसों में ऐसे ही नहीं बिछाई कि तुम एक पल में आकर इसे पलट दो। तुम्हें रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं सनम, किसी भी हद तक। हया, ये क्या? सनम, सनम कॉरिडोर में तो तुम? ओ चलो, मैं कब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, है कहां वो? मतलब वो सबूत तो इस गाड़ी में ही रह गया। अब मैं क्या करूंगी? मुझे कैसे भी आहिल को यकीन दिलाना होगा कि बेगम साहिबा जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। वो बचपन से आहिल के साथ तो है, मगर चंदन में लिपटे हुए सांप की तरह। पर बिना सबूत के आहिल ने मेरी बात का यकीन ना किया तो?